सो गाइस, मेरे इस चैनल पे दो वीडियो पे 1 मिलियन से ज्यादा करके व्यूज आए हैं और उन वीडियो में मुझे कितना पैसा मिला है यही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आखिर यूट्यूब 1 मिलियन व्यूज से कितना पैसा देता है। गाइस, मैंने बस 8 वीडियो अपलोड किया है और उसी से मुझे यूट्यूब से 2 बार पेमेंट भी मिल चुका है। तो आने वाले समय पे मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी आपका चैनल ग्रो करोगे, मतलब यूट्यूब में ग्रो कैसे करोगे उसका रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दे ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आप देख पाए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। तो मेरा अर्निंग दिखाने से पहले मैं आप लोगों को शॉर्टली समझा देता हूँ कि आखिर यूट्यूब से पैसा मिलता कैसे है या फिर क्यों मिलता है। तो गाइस, यूट्यूब पे वीडियो देखते समय जो पहले एड आता है उससे जो पैसा मिलता है ये तो सबको पता है। ये जो एड आता है ये किसी दूसरा कंपनी यूट्यूब पे रन करता है और इसके लिए कंपनी यूट्यूब को पैसा देता है और उसका 40% यूट्यूब खुद रख के 60% क्रिएटर को देता है। मतलब ऐसा ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और दूसरा जो चीज है वो है आरपीएम। आरपीएम का मतलब है कि हर 1000 व्यूज पे यूट्यूब क्रिएटर को कितना पैसा दे रहा है। और आरपीएम चैनल की कैटेगरी और कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये रहे कुछ हाई आरपीएम कैटेगरी और टॉपिक। तो चलो अभी वीडियो की मेन मुद्दा पे आते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग YT स्टूडियो पे आ चुके हैं और गाइस, मेरा इस चैनल पे लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए 7 महीने से ज्यादा हो चुका है। अभी भी 28 दिन में इस चैनल पे 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ रहा है। तो अभी के अर्निंग वीडियो की लास्ट में देखेंगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था इसको। सो गाइस, इस वीडियो में व्यूज आए हैं 32K। तो अभी हम लोग चलते हैं रेवेन्यू सेक्शन में। इस वीडियो में मुझे मिला है $2.42 32K व्यूज के और RPM है 0.08। गाइस, RPM 0.08 का मतलब है कि मुझे हर 1000 व्यूज का 6.5 रुपए मिले हैं। गाइस, इस वीडियो का RPM इतना कम है क्योंकि ये एक कार्टून वीडियो है और मैं पहले इस चैनल पे कार्टून वीडियो ही अपलोड करता था, इसीलिए इतना कम पैसा मिला है। भाई, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि पैसा इतना कम मिलता है तो लोग कार्टून वीडियो बनाते क्यों है, क्योंकि दूसरे कैटेगरी के कंपेयर में व्यूज ज्यादा आते हैं। तो गाइस, अभी देख लेते हैं जो 2 वीडियो में मेरा 1 मिलियन से ज्यादा करके व्यूज आए थे उनमें कितना पैसा मिला है। गाइस, वो 2 वीडियो में से 1 वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ जाने के लिए। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा गाली वगैरह था, शायद इसीलिए रिमूव कर दिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को बनाना शुरू करने के बाद ये चीज हुआ है। तो इसका अर्निंग तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि एनालिटिक्स ही ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन और एक जो वीडियो में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए है उसका अर्निंग दिखाता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में 1.5 मिलियन व्यूज आए हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो से मुझे कितना पैसा मिला है। जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो, इस वीडियो से मुझे मिला है $124.84। इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो लगभग 10,500 रुपए है। तो जो कार्टून वीडियो या फिर एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को शायद आइडिया लग गया होगा कि कार्टून वीडियो से कितना पैसा मिलता है। तुम किसी दूसरा कोई भी चैनल उठा लो, उसके साथ कंपेयर करे तो कार्टून चैनल की अर्निंग बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन कोई अगर कार्टून वीडियो बनाओगे सोच रहे हो, ऐसा मत सोचना कि पैसा कम मिल रहा है इसलिए नहीं बनाऊंगा। दूसरे चैनल के कंपेयर में कार्टून चैनल की व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो अभी तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि मैं क्यों कार्टून वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो ऐसा है कि मैं जो पहले वीडियो बनाता था उसमें बहुत ही ज्यादा गालियां देके वीडियो बनाता था, जो अभी करना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, जैसे कि पहले बोला था कि अभी के अर्निंग लास्ट में दिखाऊंगा, तो अभी 4 लाख व्यूज आ रहा है जिससे $25 से थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।